नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण पर्व के रूप में मनाने जा रही है और इसके लिए बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। इस पर विस्तृत जानकारी दी है भाजपा नेता रंजन अग्रवाल ने। देखिए रिपोर्ट को। तो भाजपा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पर्व के रूप में मना रही है और ऐसे में सेवा और समर्पण की जो है की सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। रंजन अग्रवाल जी मौजूद है यहाँ पर। रजनी जी आपसे जानेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ कार्यक्रम इस सेवा समर्पण कार्य में होने वाले हैं। देखिए सेवा समर्पण अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन और उनको 20 साल पूरे हो रहे हैं गवर्नेंस देने के तौर पर मुख्यमंत्री के नाते 7 अक्टूबर 2001 से शुरुआत उनकी हुई थी। तो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में पिछले 7 सालों से लगातार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने डेवलपमेंट वेलफेयर स्कीम गुड गवर्नेंस इनको पुनर्स्थापित करने का काम इस देश में किया है। तो इस नाते उनके व्यक्तित्व उनके कृतित्व उनकी गवर्नेंस उनकी प्लानिंग उनकी स्कीम उनकी विजन इन सब विषयों को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर चलाए जा रहे हैं। विशेषकर वैक्सीन को लेकर एक आग्रह भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। नमो टीका का लक्ष्य हमारा हर बूथ पर 111। हमने कम से कम 111 फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज हर बूथ पर लगे और चिन्ह कार्यकर्ताओं को उनको न्योता आमंत्रण ताकि वो नागरिक जो उस वार्ड में रहते हैं उस बूथ पर रहते हैं वो वैक्सीन लगवाएं। और 15 सितंबर से लेकर और 23 सितंबर तक ये पूरा सघन अभियान हम चलाने वाले हैं। 17 तारीख को मोमेंटम फॉर द मूवमेंट होगा जिसमें 17 तारीख को बड़ी तादाद में हम ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन करवाने का काम कोरोना का टीका लगवाने का काम करेंगे आग्रह पूर्वक करेंगे निवेदन के साथ में करेंगे। खासकर जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है पर सेकंड डोज अभी तक नहीं लिया उनको भी आग्रह करने वाले हैं कि सुरक्षित रहें है तीसरी लहर से बचना है तो टीका लगवाना। नमो उपवन इस मध्य प्रदेश में भाजपा के 1070 मंडल हैं हर मंडल में एक नमो उपवन 71 पौधों को रोपकर हम बनाने वाले हैं। 71 पौधों का वृक्षारोपण करेंगे नमो उपवन बनाएंगे और एक हम उदाहरण प्रस्तुत करने का काम करेंगे। और साथ में 16 तारीख को 71 मंदिर जो हर जिले में 71 प्रसिद्ध मंदिर हैं प्रख्यात मंदिर हैं उन 71 मंदिरों की 16 तारीख को स्वच्छता करेंगे और 17 तारीख को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ये कार्यक्रम। फिर इसके साथ में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम है स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम है विकलांगों को तमाम प्रकार के उपकरण वितरित करने का काम है। 25 सितंबर इस बीच में आने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन है तो हर बूथ पर कार्यक्रम 8000 बूथों पर वह कार्यक्रम होगा। उस दिन गरीबों को असहाय जो वंचित वर्ग हैं उनको सहायता मदद करने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जो संदेश को चरितार्थ किया है नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा उतारने का काम सेवा करने का काम समर्पण भावना से काम करने का काम ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम 2 अक्टूबर को जो शिल्पकार हैं जो हस्तकला में प्रवीण उनके जो उत्पाद हैं उनको खरीदने के आग्रह करने वाले हैं और भाजपा के कार्यकर्ता खरीदने जाएंगे खासकर खादी को लेकर कि एक छोटा ना छोटा कपड़ा कोई ना कोई एक कपड़ा जरूर खादी का खरीदें 2 अक्टूबर को ऐसा भी आग्रह हम लोग करने वाले हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रमों की श्रृंखला 7 अक्टूबर तक लगातार चलने वाली है और इसमें हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे सेवा समर्पण का। यहाँ पे देखा तो कांग्रेस भी लगातार जो है बैठकें कर रही है और ऐसे में 17 तारीख को जो है बेरोजगारी दिवस मनाने की बात युवा कांग्रेस देश में कही। देखिए कांग्रेस तो एक असफल पार्टी है लाचार पार्टी है अपने नेतृत्व से निराश पार्टी है अपनी नीतियों से हताश पार्टी है। कांग्रेस क्या कर रही है उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके ही पार्टी के नेता अपने ही अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को भाव नहीं देते तब वो उनका तो विषय बचा ही नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे जनता में उसकी कोई अपील बची नहीं। कमल जी कह रहे हैं कि कल जो रैगांव में जन दर्शन किया है सीएम शिवराज चौहान ने वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव है युवाओं की रणनीति के अंदर कमलनाथ जी दिल्ली दर्शन कर रहे हैं मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लेकिन वो दिल्ली दर्शन करते हैं मध्य प्रदेश में जनता के दर्शन करते नहीं अपने कार्यकर्ताओं के दर्शन नहीं करते। तो इसलिए ज्ञान ना दें नेता प्रतिपक्ष के नाते कितने संघर्षों में यहाँ मैदान पर हैं कांग्रेस के मुद्दे जो कांग्रेस उठाती उनके साथ में कहाँ वो मैदान में रहते हैं वो तो केवल दिल्ली में रहते हैं मध्य प्रदेश से उनका वास्ता संबंध है ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है